जब पैसा बनाने की बात होती है और हाई गेन रिटर्न करने की बात होती है तो स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स की बात जरूर आती है। और लोगों का सबसे पहला कंफ्यूजन ये रहता है कि आखिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, आखिर वो कौन सा एसेट टाइप होगा जो ज्यादा रिटर्न निकाल के देगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर डिफरेंसेस क्या है स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स में, आखिर कौन सा फंड ऐसा है, आखिर कौन सा एसेट टाइप ऐसा है जो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। इसको डिटेल में समझने से पहले समझते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है और म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद के उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं, या फिर ऐसा बोलें कि आप उसके ओनर हो जाते हैं। जी हाँ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के शेयर अवेलेबल है, आप शेयर खरीदते हैं, जितना उस समय शेयर का वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड है जहां पे बहुत सारे लोगों का फंड मिलाया जाता है, नाम ही है म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोगों का फंड मिलाया जाता है और उन फंड्स को मिला के अलग अलग टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, वो बॉन्ड्स हो सकते हैं और सिक्योरिटीज हो सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे, डिफरेंट जगह पे आपकी मनी इन्वेस्टेड रहे। नाउ द डिफरेंस नंबर टू, जब आप एक स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसका रिसर्च करें, चीजों को ध्यान रखें, खुद ही खरीदें, खुद ही बेचें। कब किस समय स्टॉक मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही खरीद बिक्री करनी पड़ेगी, यानी खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि उसकी करंट वैल्यू क्या है, आप फायदे में जा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास फंड ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या फिर फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ में फंड की लेखा जोखा को ध्यान में रखते हैं और देखते हैं कि कहां पे गेन ज्यादा हो रहा है, रिक्वायरमेंट के अनुसार वो उसे अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपका बेनिफिट नुकसान की तरफ ना जाए। द डिफरेंस नंबर थ्री, द रिस्क एंड द रिवार्ड। स्टॉक मार्केट यानी शेयर में रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रिवार्ड की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे अपना पैसा लगाया हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन का शेयर खरीदा हुआ है और वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी ऑफकोर्स आपके रिवार्ड के चांसेस बहुत हाई होंगे, बहुत पैसा बना सकते हैं, एक रुपए का 100 रुपए और 100 रुपए का 1000 रुपए भी बना सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क भी हाई होगा अगर वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसके शेयर आपने खरीद रखे हैं वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो डीप डाइव करेगा, नोज डाइव करेगा, ऐसा गिरेगा कि शायद आपका 1000 रुपए की वैल्यू 1 रुपए होके रह जाए, यानी रिस्क बहुत हाई है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क इन कंपैरिजन थोड़ा कोजी है, मतलब कि यहाँ पे रिस्क होने की संभावना इसलिए कम होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नुकसान नहीं होता, नुकसान यहाँ भी होता है, लेकिन चूंकि आपका फंड डाइवर्सिफाइड होता है, डिफरेंट जगह पे लगे होते हैं और आपके पास फंड मैनेजर्स होते हैं तो टाइम टू टाइम आपके फंड्स को सही जगह पे एलोकेट करते हैं, क्योंकि उनका भी उनमें प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट मार्जिन होता है उनका, उस प्रॉफिट मार्जिन के बेस पे आपके फंड को वो बेटर यूटिलाइज कर, एंड रिवार्ड की संभावना इन कंपैरिजन थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन रिवार्ड किस में ज्यादा मिलेगा ये अभी भी तय करना बाकी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, यानी कि लिक्विडिटी ऑफ द फंड। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा लिक्विड होता है, आप खुद ही रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं किस समय हाई प्रॉफिट निकल के आ रहा है, देन एंड देयर आप उसे सेल कर सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, या फिर जिस समय आप मार्केट में देख रहे हैं डीप डाइव हो रहा है, नोज डाइव हो रहा है, मार्केट की वैल्यू खराब हो रखी है, अगर उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन एंड देयर आप शेयर को खरीद सकते हैं, यानी कि लिक्विड मनी यहाँ पे ज्यादा होता है। जबकि आप म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू स्टॉक, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली ट्रेडिंग डे यानी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है वहां पे, यूजुअली ट्रेडिंग डे कंप्लीट होने के बाद एंड ऑफ द डे वो आपकी सेल या परचेज होती है, यानी कि अगर आपने कोई परचेज किया है तो उसका भी अलोकेशन एक दिन के खत्म होने के बाद होता है और अगर आपने कोई सेल किया है तो उसका अलोकेशन भी डे एंड पे होता है। तो ये है लर्निंग नंबर 4 ऑन लिक्विडिटी। आगे बढ़ते हैं लर्निंग नंबर 5,
स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में आप और नेशन के शेयर के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको 1 शेयर खरीदना है, 2 शेयर करना है, 5 शेयर खरीदना है, जितनी शेयर आप खरीदना चाहते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐप भी अवेलेबल है जिसपे आप शेयर को रुपयों के हिसाब से भी खरीद सकते हैं, कितने रुपए का शेयर खरीदना है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स होता है, जैसे 500 रुपीज मिनिमम होता है या 1000 रुपीज मिनिमम होता है, 5000 रुपीज मिनिमम होता है, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक मिनिमम अमाउंट ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने तय करके रखा होता है, तो ये भी एक डिफरेंस है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कैसी है। अभी तक ये तय नहीं है कि म्यूचुअल फंड बेटर है या स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट बेटर है, क्योंकि ये ऑल डिपेंड्स करता है कि आपके पास कितना फंड है लगाने के लिए और आप कि रिस्क एपेटाइट कितनी है। आगे बढ़ते हैं लर्निंग नंबर 6 में। यूजुअली शेयर मार्केट में चूंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे उनका मैनेजमेंट फी थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन, जबकि म्यूचुअल फंड्स में मैनेजमेंट फी अलग से लिया जाता है बाय सेल के लिए भी और फंड मैनेज करने के लिए भी। हालांकि ये सही है और जायज है क्योंकि आपके बिहाफ में कोई फंड मैनेजर काम कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें और इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी फी भी दें। ये फी देने के बदले आपकी रिस्क कैपेबिलिटी और आपके सोचने की कैपेबिलिटी पे थोड़ा लगाम लगाया जाता है, क्योंकि आपको उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी वापस से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने अजाइल हैं, कितना एक्साइटेड हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं और मार्केट की समझ रखना चाहते हैं और मार्केट पे आपकी पकड़ है, बहुत समझ है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़े लेजी टाइप के हैं, कोजी टाइप के, आराम से पैसा बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं लर्निंग नंबर 7 में। लर्निंग नंबर 7 कहता है अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है यानी कि कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपकी रिस्क कैपेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। डाइवर्सिफिकेशन भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है खुद से। जी हाँ, ये आपने चूंकि खुद से मैनेज कर रखा है तो ऑल ऑन योर कैपेबिलिटी, ऑल ऑन योर नॉलेज। बट म्यूचुअल फंड में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ ऑलरेडी फंड डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग जगह पे लगा होता है। जी हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी फंड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो उस फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। यूजुअली ये अलग अलग कैटेगरी में भी आते हैं म्यूचुअल फंड, जैसे कि टेक्नोलॉजी की अलग ऑर्गेनाइजेशन है, रियल स्टेट की अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसी तरीके से अलग अलग पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हैं और अलग अलग जगह पे ये म्यूचुअल फंड्स वाले आपका मनी इन्वेस्ट करते हैं। और इन कंपैरिजन यहाँ पे रिस्क की पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन की पोर्टफोलियो थोड़ी मैनेज्ड होती है। तो आइए अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, आखिर कौन सा बेटर है और कौन आपको ज्यादा धनी बना सकता है। जी हाँ, ज्यादा पैसा कमाने की जहां तक बात है, अफकोर्स अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है और आप इस बात के लिए सक्षम हैं और मजबूत रखते हैं अपना दिल कि अगर थोड़ा पैसा डूबेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब बनेगा तो आकाश को छुएगा, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बेटर है। लेकिन अगर आप थोड़े कोजी से हैं, थोड़ा आराम पसंद करते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप थोड़ा स्मूथ लाइफ जीना चाहते हैं और धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इन कंपैरिजन वहां पर रिस्क थोड़ी कम है। ध्यान रखें हमेशा ही म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले एक डिस्क्लेमर आता है, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही सावधानी पूर्वक होना चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से पढ़ने चाहिए ताकि आपका पैसा आपकी समझ के अनुसार इन्वेस्ट हो, ना कि फंड मैनेजर की समझ के अनुसार। जी हाँ, आपका पैसा है, ध्यान रखिए और डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए बिफोर यू इन्वेस्ट एनी मनी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, साइन ऑफ, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।